फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। जैसे कि गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और बच्चे जो हैं अब घर पे रहने लग गए हैं, तो ऐसे में हमें समझ नहीं आता है कि बच्चों को हम क्या खिलाएं कि जो हेल्दी भी रहे। तो ऐसे ही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं और या शाम के टाइम पे हल्की हल्की भूख के टाइम भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दही सैंडविच बनाने के लिए ये मैंने दही लिया है। देखिए, मेरा घर का बनाया हुआ ही दही है और कितना थिक है ये दही। इसमें ज्यादा पानी भी आपको नहीं लग रहा है, बट मुझे आज दही सैंडविच बनाने मींस इस दही से जो है मैं पहले इसका हंकर्ड बनाऊंगी। तो ये जो है मैं इस तरह से एक अपना बोल ले लेंगे, इसके ऊपर हम एक जाली रखेंगे इस तरह से बड़े वाली, और इसके ऊपर एक हम हल्का सा जो है बिल्कुल महीन सा मलमल का सा कपड़ा या कॉटन का कपड़ा जो है इस तरह से फैला लेंगे, और इसमें जो है अपनी दही ट्रांसफर कर लेंगे। जितनी दही के जो है आपने सैंडविच बनाने हैं उतनी दही। पहले जो है एक बार हंकर्ड से जो है ब्रेड पॉकेट्स भी बनाए थे। हंकर्ड से मैंने एक डेजर्ट तैयार किया था अभी थोड़ी देर पहले, स्ट्रॉबेरी का, वो भी बहुत ही टेस्टी बनता है, उसे भी आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो इस तरह से देखिए, अब हमने सारा का सारा दही जितना हमें चाहिए वो हमने इसमें कपड़े में ट्रांसफर कर लिया है, और इसको जो है हम बिल्कुल टाइटली, एकदम टाइटली करके रखेंगे, क्योंकि इसमें से हमें सारा का सारा पानी निकालना है। तो आप चाहे तो इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा वेट भी रख सकते हैं, इससे पानी जो है हमारा जल्दी निकल जाएगा, लेकिन अभी मैं इसको टाइट ऐसे करके रख रही हूँ। और अभी हम इसको जो है 2 घंटे के लिए ऐसे छोड़ेंगे, जिससे क्या होगा, जाली में से जो है हमारा सारा पानी जो है बोल में इकट्ठा हो जाएगा। तो जब तक हमारा हंकर तैयार हो रहा है, तब तक जो है ना हम इसके आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम इसमें लेंगे कुछ सब्जियां, क्योंकि हमें एकदम हेल्दी वर्जन में तैयार करना है सैंडविच। हम इसमें किसी भी तरह का मेयोनीज का यूज नहीं करेंगे, एकदम ही सिंपल वे में इसको तैयार करेंगे और बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आएगा अगर आप इस तरह सैंडविच तैयार करेंगे। तो मैंने लिया है ये एक रेड बेल पेपर, और एक लिया है मैंने ग्रीन बेल पेपर, और मैंने लिए है एक ओनियन, और साथ में हमने लिए कुकुम्बर, और हमने लिए है ये एक हरी मिर्च, बड़ी सी हरी मिर्च ली है। इसमें आप जितनी डालना चाहें आप उतनी डालिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़े से जो है मैंने फ्रोजन जो है स्वीट कॉर्न लिए हैं। ये सारे के सारे बेल पेपर्स जो है इतने मैं इसमें नहीं डालने वाली हूँ सैंडविच में, अगर आपको देख के लग रहा होगा कि इतनी सारी सब्जी काटने वाली है, नहीं, हमें जितने चाहिए हम उतने इसमें से काट लें, क्योंकि अब इतने बड़े बड़े साइज के आते हैं मार्केट में, तो ये मैंने दिखाने के लिए रखे हैं सिर्फ। तो अब इसमें से जो है सबसे पहले हम जो है रेड बेल पेपर को चॉप कर। वैसे तो सब्जियों को चॉप करना जो है ना किचन में एक तरह की थेरेपी कह की काम करता है मॉर्निंग में, बट अगर आपके पास में टाइम है ना तो आप सब्जियों को जो है चॉप कर सकते हैं। बट अगर आपके पास में टाइम नहीं है, मॉर्निंग में आपको जल्दी है, सबको ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, और आपको अलग अलग वेराइटी के ब्रेकफास्ट तैयार करने हैं, तो आप जो है ना मेरी तरह सिंपली एक चॉपर यूज कर सकते हैं। चॉपर में जो है मैंने देखिए इस तरह से रेड बेल पेपर अच्छे से डाल लिया है, और एकदम फाइन देखिए चॉप हो गया है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और हमारी सब्जी भी जो है एकदम फाइन चॉप हो जाती है। तो बट अगर आपके पास में टाइम है तो आप बहुत तसल्ली से चॉप कीजिएगा। तो इसे देखिए, हमारी सारे की सारी सब्जियां जो मैंने इसमें ली थी वो मैंने अच्छे से चॉप कर ली हैं, और देखिए कितनी कलरफुल लग रही है। आप सब्जियां जो है ना इस सैंडविच में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर जो है येलो और ऑरेंज कलर के बेल पेपर आते हैं वो भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। अब सब्जियां हमारी बहुत अच्छे से चॉप हो गई हैं, मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी जो है देखिए साथ में इसमें चॉप कर लिया है अलग से, और अब चलिए देखते हैं हमारा दही का क्या हाल है। तो देखिए दही भी जो है हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है, और एकदम देखिए क्रीमी क्रीमी हो गई है। तो इसी तरह का जो है हमें इसका दही का टेक्सचर चाहिए, क्योंकि हंकर जो है हमारा इसी तरह का होता है, और इसमें हमें ज्यादा मसाले डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए, और जो सारी की सारी सब्जियां हैं पहले हम इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं, जितना हमारा दही बना है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें सारी सब्जियां डाल लेंगे। मैं थोड़ी सी सब्जियां जो है बचा के रख रही हूँ, क्योंकि मुझे बाद में अगर सैंडविच और बनाने होंगे तो मैं बाद में यूज कर लूंगी इनको। तो अभी जो है अगर मैं ज्यादा सब्जी डाल दूंगी, क्योंकि मेरा दही जो है कम है, तो वो बहुत ज्यादा सब्जियां ही सब्जियां हो जाएंगी, दही का जो है फ्लेवर वो नहीं आ पाएगा। तो अब इसमें जो है अपने थोड़े से फ्लेवर को बढ़ाने के लिए जो है ना थोड़े से अपने ड्राई मसाले ऐड कर लेंगे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून करीब काला नमक, आप इसकी जगह पे व्हाइट वाला नमक भी यूज कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून करीब इसमें यूज कर रहे हैं चाट मसाला, बहुत ही अच्छे से फ्लेवर के लिए, और हम इसमें यूज कर रहे हैं ऑरिगेनो, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास में है तो आप डालिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स, बहुत ही अच्छे से फ्लेवर के लिए, और हमने क्योंकि थोड़ी सी जो है हरी वाली मिर्ची भी जो है बारीक बारीक काट ली थी, तो वो भी जो है हम इसमें थोड़ी ऐड कर लेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। और बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं तो थोड़ा सा और इसको अच्छा सा बनाने के लिए इसमें जो है मैं तो ऐड कर रही हूँ मोजरेला चीज। ये मेरे पास में ग्रेटेड वाला मोजरेला चीज रखा होता, मैं इसको ऐसे ग्रेट वाला यूज कर रही हूँ। तो अब इन सभी चीजों को जो है बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए
गुलाबी से जो है कितनी कलरफुल सा जो है हमारा ये हमारा जो मिक्सचर है तैयार हो गया है। देखने में ही बहुत टेस्टी सा लग रहा है और खाने में तो है ही बहुत टेस्टी। तो इस तरह से हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 7 मिनट में ही मैं बताऊँ आपको ये सैंडविचेस तैयार हो जाती हैं। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और टेस्टी भी इतने ज़्यादा लगती हैं ये कि हर रोज बनाने का मन करेगा आपका। एकदम क्रीमी क्रीमी टेक्सचर आ गया है देखिए हमारे इसमें। अब इसको हम तो अलग रख देते हैं। तो अब हम ले लेते हैं क्योंकि हम सैंडविच तैयार करें तो भाई सैंडविच के लिए हमें ब्रेड भी तो लेनी पड़ेगी ना। तो अब मैंने ले ली है 4 से 5 स्लाइसेस ब्रेड के। आप चाहें तो इसे कॉर्नर्स निकाल के भी जो है सैंडविच बना सकते हैं और आप चाहें तो बिना कॉर्नर्स को निकाले भी जो इसके सैंडविच बना सकते हैं। बट मैं इनके कॉर्नर्स निकाल के तैयार करी, इससे थोड़ा सा अच्छा सा लुक आता है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल लगते हैं जैसे हम देखते हैं ना मार्केट में बिकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप से कॉर्नर्स निकालना चाहते हैं तो निकालिए, नहीं तो मत निकालिए। तो अब हम जो है अपने सैंडविचेस को बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने जो है एक साइड पे जो है ब्रेड स्लाइस के लगा दी है अपनी हरे वाली चटनी। ये घर में ही मैंने तैयार करी है ग्रीन वाली चटनी। इसको मैंने किस तरह से बनाया है इसका भी वीडियो मैंने जो है अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है धनिया की चटनी का। और अब दूसरी साइड पे जो है हम अपने ब्रेड स्लाइस पे कुछ नहीं लगा रहे हैं और उसको जो है हम अंदर मिक्सचर को फिल करने के बाद उसको हम कवर कर देंगे इस तरह से। अब आप चाहें अगर आप कोई बच्चों को जो है धनिया वाली चटनी पसंद नहीं आए तो आप जो है ना उसकी जगह पे जो है अपना यूज कर सकते हैं टोमेटो सॉस वगैरह भी। और जो हम टोमेटो सॉस और ये धनिया की चटनी यूज कर रहे हैं वो सिर्फ अच्छे से फ्लेवर के लिए यूज कर रहे हैं। आप बिना धनिया की चटनी और टोमेटो सॉस के बिना भी जो है ना सिंपली फिल करके बना सकते हैं इस मिक्सचर को। अब देखिए मैंने जो दो सैंडविच है वो तो मैंने कॉर्नर्स निकाल के बनाए हैं और कुछ सैंडविच जो है मैं बिना कॉर्नर्स निकाल के भी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से वो दिखते हैं। तो इस तरह से मैंने इस वाले ब्रेड पे भी जो है ना धनिया की चटनी लगा ली और उसके अंदर मिक्सचर अच्छे से फिल कर दिया है और अपने सेकेंड स्लाइस से जो है इसको अच्छे से कवर कर दिया है। अब गैस पे जो है मैंने अब एक नॉनस्टिक पैन रख लिया है, अच्छे से पैन हमारा गर्म हो गया है। अब हम जो इन सैंडविचेस को जो है ना पैन पे ही सेक रहे हैं। आप चाहे तो सैंडविच मेकर में या ग्रिल मेकर होते हैं आपके उस पे भी जो है आप इनको बना सकते हैं सैंडविच को। अब इसको हम बटर से जो है ना अच्छे से कोट कर लेंगे दोनों साइड से, जिससे हमारे जो सैंडविच है ना बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। क्योंकि जितना ज्यादा हमारे इसके ऊपर अच्छे से बटर लगा होगा उतने ही ज़्यादा जो है हमारे सैंडविच जो एकदम क्रिस्पी बनेगा। और इनको जो हम सेकेंगे तो ये बात का ध्यान रखना है कि हमें गैस की फ्लेम को एकदम स्लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं सेकेंगे वरना क्या होगा ना इतनी ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे और थोड़ी देर बाद ही जो है ना वो एकदम सॉगी हो जाएंगे। तो स्लो टू मीडियम गैस पे ही जो है ना अलट पलट करके जो है हम इन सैंडविचेस को जो है अपने तवे पे अच्छे से सेकें। इस तरह से जो है मैंने अपना जो एक सैंडविच बिना कॉर्नर्स निकाले तैयार किया था उसको भी मैं इसी तरह से दोनों साइड बटर लगा के सेक लूंगी अलट पलट करके। देखिए ये भी बहुत अच्छे सिक गया है और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इनको सेक लेंगे। बस इससे ज्यादा हम इसको जो है ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का जो है गोल्डन ब्राउन करेंगे। और जब आपको लगने लगे बहुत ज्यादा अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं तब आप जो है अपने सैंडविचेस को निकाल सकते हैं। तो देखिए अब इस तरह से जो है ना मेरे सारे के सारे सैंडविच जो है बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही सिंपल सा जो है हेल्दी सा ये हमारा ब्रेकफास्ट। तो बहुत ही हेल्दी से हैं और इसमें सब्जियां डली हुई हैं तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा हेल्दी हो। और आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, इसको ब्रेकफास्ट में तैयार कीजिएगा या शाम की हल्की हल्की भूख के लिए भी तैयार कीजिएगा। आप इसको जो है ना बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख के दे सकती हैं, बिल्कुल भी जो है सॉगी नहीं होंगे, अच्छे से रैप करके रखिएगा। और इसमें किसी भी तरह के एक्स्ट्रा सॉस या आपको जो है ना चटनी वगैरह रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बच्चे खुश होकर खाएंगे। आपको मेरी सिंपल सी दही सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक खुश रहिए, खुशियां फैलाइए।